राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में प्रदेश कृषि विभाग द्वारा जीरो बजट खेती पर आयोजित किए जा रहे 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने किसानों से शून्य लागत प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि शून्य लागत प्राकृतिक खेती से जहाँ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, वहीं पर्यावरण संरक्षण, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने की दृष्टि से भी ये खेती लाभदायक है। प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किसानों से शून्य लागत प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में प्रदेश कृषि विभाग द्वारा जीरो बजट खेती पर आयोजित किए जा रहे 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किसानों को कृषि विधि के लाभ बताए। उन्होंने कहा कि शून्य लागत प्राकृतिक खेती से जहां किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, वहीं इससे पानी की बचत भी होगी। आचार्य देवव्रत ने जिन किसानों के पास पहाड़ी गायें हैं, उन्हें जल्द ही इस कृषि पद्धति को अपनाने की अपील की और जिनके पास पहाड़ी गायें नहीं हैं, उनको गाय खरीदने में उद्योगपतियों ने सहायता करने की बात कही। वहीं अनेक उद्योगपतियों ने इस तरह की कृषि से होने वाले जहर मुक्त उत्पाद को खरीदने की बात भी कही। राज्यपाल ने कहा कि जो लोग अपनी पहाड़ी गायों को सड़कों पर छोड़ रहे हैं, वो अपना भी नुकसान कर रहे हैं। शोध से पता चला है कि जहां दूध देने वाली गाय के 1 ग्राम गोबर से करीब 3 करोड़ जीवाणु होते हैं, वहीं दूध न देने वाली गाय के गोबर में ये आंकड़ा 5 करोड़ होता है। 100% गारंटी, 100% कोई धोखा इस खेती में नहीं है। मैं 200 एकड़ में 7 साल से करता हूं और मैं नहीं करता, आंध्र प्रदेश के 3 लाख किसान करते, दक्षिण भारत और देश के 40 लाख किसान इस खेती को करते हैं। आप वरदान सिद्ध होगा, कल्याण हो जाएगा। आप इसको करेंगे तो आप केवल आर्थिक लाभ अलग है, आप पुण्य इतना कमाओगे वो तो होगा ही होगा, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, इससे पानी की बचत 70-80% कम हो जाएगी, पर्यावरण बिल्कुल खराब नहीं होगा, जमीन की उर्वरा शक्ति को ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता जाएगा और देसी गाय का जीवन बचेगा, अस्पतालों में बीमार लोग बचेंगे और आपकी आय बढ़ेगी। मैं पिछले इस 15 दिन में इसी काम पे प्रतिदिन बुलाया जा रहा हूं। आदित्य योगी नाथ जी ने अभी अपने प्रदेश में मेरे को 3 दिन बुलाया, वो मेरे को लेके अपने गोरखपुर के आश्रम में गए। उस दिन आपकी तरह हजार, ये भी विधि देश में ऐसा भी हो सकता है, कल्पना ही नहीं हो सकती इतनी। तो अब उन्होंने हमें कहा कि यूं नहीं काम चलेगा आचार्य जी, आप और पालेकर जी दोनों आइए और एक दिन में पूरा जितना मंत्रिमंडल है, जितने विधायक हैं, जितने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं, जितने हमारे डीसीज हैं, सबको बुलाऊंगा और उसमें आप लोगों ने आकर के सबको ये लेक्चर दो और फिर हम पूरे प्रदेश में इस अभियान को चलाना चाहते हैं। कृषि विभाग द्वारा प्रदेश में पहली बार जीरो बजट खेती पर इतने बड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के 6 जिलों के करीब 1000 किसान भाग ले रहे हैं। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से निरुपजीत निप्पी की रिपोर्ट।